है इसको एक साइड दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड यूजेज ए दिया है मेलिएबल बी हेल्डी हाई मेल्टिंग पॉइंट सी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट डी स्ट्रॉन्ग, ई e, हाई कोऑफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आइए इसको मिलान करते हैं हम लोग मेलिएबल जो है आपका फाइव होता है मैलिएबल आपका मैलिएबल जो है आ, ये राइपिंग मटेरियल जैसे अलमोनीय फ्वाइल होता है उसको लपटा जाता है वो मैलिएबल होता है इसलिए ए का थ्री आपका थ्री ऑप्शन में आ रहा है और बी का हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका ये हीटिंग एलिमेंट ऑफ आयन अप्लाइंसेस बी का फाइव हो जाएगा और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट इलेक्ट्रोड इन सेल आपका डी का सी uh, का वन हो जाएगा और डी का एस्ट्रॉग यानी कि कंस्ट्रक्शन ब्रिज डी का टू हो जाएगा और ई e आपका फोर हो जाएगा मेकिंग थर्मोमीटर हाई कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपका मेकिंग थर्मोमीटर हो जाएगा तो इसलिए आपका थ्री राइट आंसर होगा वन का तो आइए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू के देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल इनमें से कौन सा विटामिन जो होता है फैट को सोल्यूबल कर देता है विटामिन ए एंड विटामिन बी विटामिन ए एंड बी विटामिन ए डी एंड ई विटामिन एंड विटामिन सी तो आपका विटामिन ए डी एंड ई तीनों आपको फैट को सोल्यूबुल करता है आपका अगला ऑप्शन में नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ सकता है आपको इसमें जो फैट का सोल्यूबल है चारों विटामिन है आपका ए डी ई एंड के ताप स्रोत भी इस लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या है आपका विटामिन ए में ये खाने वाला चीज है और बी में ई e में और के में ये है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर पढ़ते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रांसप्रेशन इन प्लांट इनमें से तीन ऑप्शन दिया हुआ है तीन एसर्सन दिया हुआ है और उस उसमें से सेलेक्ट करना है कि ट्रांसमिशन में फंक्शन ट्रांसमिशन के जो फंक्शन है प्लांट में कौन सा काम इट हेल्प्स इन द कूलिंग प्लांट हाँ पेड़ को ठंडा करता है इट हेल्प्स इन ऑब्जर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल हाँ ये भी करता है इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैस विद द इन्वायरमेंट और गैस को भी एक्सचेंज करता है इसलिए आपको तीनों ऑप्शन होगा ए बी सी देखते हैं इस ऑप्शन में कौन सा है तो आपका ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर होगा राइट आंसर होगा इसके बारे में देख लीजिए ट्रांसमिशन के बारे में ये जो है रूट से आपका वाटर ऑब्जर्व बाई द रूट एंड मूव ऑफ ऊपर ओर करता है और वाटर फॉल एज ए रेन वाटर वेपर रिलीज फ्रॉम मतलब गैस का भी एक्सचेंज होता है तो इस तरह से ये टोटल प्रोसेस ट्रांसमिशन का है आइए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू रिगार्डिंग द प्रेशर एग्जेक्टेड ऑन द सर्टेन एरिया बाई बिट एक ईट है एक इस तरह ईट को रखें और एक इस तरह ईट को रख तो हम लोग अगर प्रेशर लगता है ग्राउंड पे तो इसको मतलब कि तीन ऑप्शन दिया है उसी में से इंडिकेट करना है आ, ए आपका दिया है प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया प्रेशर जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज अपोजिट टू डेट ऑफ अप्लाइड फोर्स और यूनिट ऑफ प्रेशर इज सेम एज डेट ऑफ फोर्स नहीं आपका केवल ये सही होगा प्रेशर आपका जैसे ईट से लगता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शन एरिया का होता है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव सौरिया बेंट फॉर ए ट्रैकिंग ट्रिप स एक ट्रिप पे गया ड्यूरिंग द ट्रेक ही एक्सीडेंटली प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द ब्रश एक झाड़ी पे बुश पे अपने हाथ को रखा अचानक एक्सीडेंट रूप से रखा गया उसको झाड़ी पे हाथ ही फेल्ट द स्टिंगिंग और वह चुभते हुए एहसास किया एंड हीज इचिंग और उसके हाथ में जलन हो गया द इंस्ट्रक्शन इमेडिएटली टुक ए लीफ ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स और उसने आ, प्लांट से एक पत्ता लिया क्रॉस ईट और उसे निचोड़ दिया एंड रब इट ऑन द एफेक्टेड एरिया जहाँ चुभ रहा था उस एरिया को वो रगड़ दिया है वाट कुड भी द नेचर द केमिकल विच काउ द स्ट्रिंग एंड नेचर ऑफ द लिव मैं जिसके वजह से मतलब कि स्ट्रिंग हो रहा चुभन हुआ उसका कारण बताएँ और उसका नेचर बताए पत्ता का जिससे ठीक हुआ द नेचर ऑफ़ द केमिकल विच काउ द स्टिंग एंड नेचर ऑफ द जूस इन द लिव आपका एस्टिंग जैसे मैं चुटी काटा तो आपका फॉर्मिक एसिड है तो इसलिए एसिडिक हो जाएगा और ये आपका इस क्वेश्चन के अनुसार और इस क्वेश्चन के अनुसार ये एसिडिक हो जाएगा और जूस जो निकला ये बेस हो जाएगा तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर ए ही होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स वेल शार्क डॉल्फिन एंड फिश आर ऑल एक्वेटिक एनिमल वेल शार्क और डॉल्फिन आपका जल जीव है विच ऑफ़ द फ्लोइंगेटमेंट डिस्क्राइब देयर रिस्पेरेटरी सिस्टम और इनमें से कौन सा मतलब सही है रिस्परेटरी सिस्टम के लिए जो तीन ऑप्शन दिए हैं फिश का ऑल ऑफ देम ब्रेथ थ्रू द गिल्स सभी इसमें से ये गिल्स से लेते हैं सांस वेल एंड फिश ब्रेथ थ्रू द गिल्स वेल एंड फिश आपका गिल्स नहीं लेते हैं और इसमें सब नहीं आ जाएगा इसलिए गलत हो गया सार्क एंड डॉल्फिन ब्रेथ थ्रू द लंग्स आपका सार्क एंड डॉल्फिन जो है आपका लंग्स से इसमें सार्क जो होता है आपका गिल से लेता है और डॉल्फिन आपका लंग्स से लेता है वेल एंड डॉल्फिन ब्रेथ थ्रू द लंग्स और वेल एंड डॉल्फिन दोनों लंग्स से लेता है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर right है आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द ह्यूमन एक्सरेटरी सिस्टम ह्यूमन का जो एक्सरेटरी सिस्टम है उसका इसमें से ऑप्शन चूज करना है जो वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है चार ऑप्शन दिया है यूरिनरी ब्लाडर किडनी यूरेटर यूरेथ्रा इसी तरह किडनी और नी ब्लाडर यूरेथ्रा यूरेथ्रा किडनी यूरेट्रा एंड नी ब्लाडर एंडरेथरा इस तरह से है तो हम लोग इस पिक्चर में एक बार इंडिकेट कर देते हैं इस एनालिसिस के लिए तो आपका सबसे ऊपर में क्या है किडनी ये आपका किडनी का है लोकेशन और दूसरा पॉइंट में है आपका यूरेट्रा ये आपका यूरेटरा का है और तीसरा पॉइंट में यूरिनरी ब्लाडर है और चौथा पॉइंट में यूरेथरा है तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थ्री किडनी यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लाडर एंड यूरेथरा ये आप लोग फिगर से भी समझ लिए हैं प्रैक्टिकली ये आप समझ सकते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवन का थ्री आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट है मैच आइटम्स इन द कॉलम ए एंड कॉलम टू मेड ऑफ़ प्रोडक्शन एंड प्लांट प्लांट का जो प्रोडक्शन होता है उसका कटिंग आपका कटिंग मेथड आप देख सकते हैं अगर काट के लगाते हैं तो रोज में आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाता है और स्पोर फॉर्मेशन आपका किस में होता है झाड़ी में होता है तब बी का आपका फाइव हो जाएगा और ए का वन बी का फाइव ए का वन आपका टू में ऑप्शन है तो ज़्यादा चांस है कि टू का ही टू ही आंसर होगा फिर भी अगला देखते हैं फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना होता है ये स्पाइरो में होता है ये थ्री हो जाएगा सी का और नेक्स्ट है बडिंग बडिंग आपको आ, प्रोटो बडिंग आपको यस्ट में होता है यिस्ट में आपको बडिंग होता है ये आपका फोर हो गया तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं ये आपका फिगर है ये आपका रोज का देखिए कटिंग मेथड है फर्न से स्पोर फॉर्मेशन का जो है फ्रेगमेंटेशन जो टूट रहा है और बडिंग आपका जो बडिंग सिस्टम हो रहा है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ बड हो रहा है और उसी तरह बड अलग हो इस तरह से डॉटर सेल और पायरेंट सेल डेवलप्ड हो जाता है इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका टू हुआ अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखते हैं कंसीडर द फ्लोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन इनमें से हम लोग को कंसिस्ट कंसिडर करना है केमिकल रिएक्शन के बारे में बी सी डी दिया हुआ ए फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल सबस्टेंसेस नंबर ऑफ मोलिकुल ऑफ ऑल सबस्टेंसेस, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सबस्टेंसेस एंड सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम ऑफ सबस्टेंसेस व्हिच ऑफ़ द रिमेंस द सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन रिएक्शन से पहले और रिएक्शन से बाद इनमें से कौन सेम रहता है द नंबर ऑफ एटम इस सबस्टेंसेज भी सेम रहता है सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम सबस्टेंसेज सेम रहता है इसलिए आपका सी एंड डी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं जितना हाइड्रोजन टू एच टू ओ टू और वाटर बनने के बाद भी उतना ही एटम है अगर इसका हम लोग मोलेकुलर मास निकालते हैं मोलेकुलर मास हाइड्रोजन के अनुसार तो आपका उसका मास भी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी सेम है इसलिए यह आपका थ्री आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेंथ देखते हैं गैस इज प्रोड्यूस ए मेटल रिएक्ट विध ए ए जैसे एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो एक गैस प्रोड्यूस होता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू अबाउट दिस गैस और इस गैस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है टर्न्स ब्लू लिटमस वाटर मिल्कि इट हैज़ ए प्रजेंट इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड इट गिव्स ए डेंस वाइट फॉम्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया आपका पॉप साउंड के साथ क्या करता है जल जाता है आप लोग देख सकते हैं ये एसिड है और कोई मेटल के साथ इसको अटैच करते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ जल जाता है आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलन लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज के लिए इतना ही आप सबको धन्यवाद